अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं स्टार्टेक। आज हम अनबॉक्स करेंगे कैमॉन 16 प्रीमियर और देखेंगे इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर बॉक्स की साइड पे काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है कैमॉन 16 प्रीमियर। यहाँ पर कुछ और भी स्पेसिफिकेशन है लेकिन हम वो डिब्बा खोल के फिर उसको देखेंगे। तो ये जी हमने डिब्बा खोल लिया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक बॉक्स। तो जी चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ और डिवाइस को हम कर लेते हैं अनपैक। ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में हमें नज़र आ रही है और इसको हम ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़र्स्ट लुक और इसकी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन है। लो जी, स्क्रीन के ऊपर तो कुछ नहीं मेंशन। ओवरऑल स्क्रीन का इसका जो लुक है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। साइड पर इसका फिंगरप्रिंट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा काम करेगा। और बैक साइड की अगर बात की जाए तो टेक्नो की ब्रांडिंग है, कैमॉन की ब्रांडिंग है और ऊपर लगाए गए हैं चार चार कैमरे। डिवाइस को हम ऑन करके रख देते हैं साइड पे और देखते हैं डब्बे में और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस पेपर वर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें मिलता है 13 महीना की वारंटी और हमें देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत केस जो कि प्लास्टिक बिल्ड है। और यहाँ पे टेक्नो ने अपना मार्क भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत और नज़र आता है। अब हम इसको इसके ऊपर चढ़ा के देखते हैं और चेक करते हैं इसकी फ़िटिंग। तो फिटिंग इसकी है कही जी बड़ी शानदार। इसमें चार्जर हमें देखने को मिलता है काफ़ी फास्ट चार्जर जो कि है 33 वाट का। चार्जर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है हैंड फ्री हमें देखने को मिलती है आईफोन टाइप की। और ये अच्छी बात है कि ये हैंड फ्री दे रहे हैं वरना आजकल हैंड फ्री नहीं आती। और यहाँ पे हमें देखने को मिली है हमारी केबल टाइप सी पोर्ट के साथ हमें मिली गई। जाहिर सी बात है अगर आपने फास्ट चार्जिंग करनी है तो आपको टाइप सी की सपोर्ट लाजमी चाहिए। नीचे वाली साइड की बात की जाए तो यहाँ पर हमें दिया गया है हेडफोन जैक और ये है हमारी चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली और ये हमारी स्पीकर ग्रिल। बैक साइड के कैमराज की बात की जाए तो मेन सेंसर इसमें दिया गया है 64 मेगापिक्सल्स का। बैक साइड की लुक इसकी काफ़ी अच्छी है और मेन इसका जो हाईलाइटिंग फीचर है वो इसका है प्रोसेसर इसमें लगाया गया है हीलियो का G90T जो कि है एक गेमिंग प्रोसेसर और हमारे पबजी के एक्सपीरियंस को काफ़ी बनाएगा स्मूथ। और यहाँ पर अगर हम इसके अबाउट फोन की बात करें तो यहाँ पर दी गई है बड़ी बड़ी मैंशंस। यहाँ पर दिया गया है 8 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज, फ्रंट साइड पे डुअल कैमरा 48 मेगापिक्सल्स का और रियर साइड पे हमें देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड कैमरा। बैक साइड के दूसरे कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का वाइट एंगल कैमरा लगाया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मजीद डेडिकेटेड कैमरा जो कि बनाएगा वीडियो के एक्सपीरियंस को काफ़ी स्मूथ और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इससे 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS के ऊपर। इस मोबाइल फ़ोन में हमें मिलती है जेरो की फुल सपोर्ट। ओवरऑल जो बैक के कैमरे का डिज़ाइन है वो मुझे बहुत पसंद आया। और अगर दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हीलियो का G90T प्रोसेसर और उसके साथ मेंशन है 4500 mAh की बैटरी जो कि मुझे काफ़ी कम लगी। और इसके साथ मेंशन की गई है इसकी रेजोल्यूशन 1080p और ये आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 10 के साथ। यहाँ पे हमें मिलता है 6.9 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डुअल डॉट कैमरा फ्लैश लाइट के साथ। हम इसको चेक करते हैं जी, ये हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। सिम सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सिम की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमें मिलती है फुली लोडेड 2 सिम के साथ, एक मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं और मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अच्छा हो भी क्यों नहीं, 389 का PPI इसमें इस्तेमाल किया गया है कि जो कि हमारे डे लाइट के एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बनाएगा। और इसमें इस्तेमाल किया गया है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। अब हम चेक करते हैं इसके बैक साइड के कैमरे को। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसका 64 मेगापिक्सल का लेंस तो आपको यहां से इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये हम चेक करते हैं, इसको एक तस्वीर बनाते हैं इस चार्जर की। इस रूम में लाइट की कंडीशन काफ़ी नॉर्मल है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिटेल दी है और मेरे ख्याल में ये डे लाइट में कमाल कर देगा। बैक कैमरे को अगर आप नॉर्मल रूटीन में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल्स का
कैमरा और इसके साथ आपको मिलेगी ये वाली रेजोल्यूशन। और अगर आप यहाँ से 64 मेगापिक्सल्स के कैमरे को ऑन करते हैं तो आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी ये वाली रेजोल्यूशन, और जो कि है काफ़ी बड़ी रेजोल्यूशन। ऐसे ही अगर हम फ्रंट के कैमरे को चेक करें तो नॉर्मल मोड में आपको देखने को मिलेगी ये वाली रेजोल्यूशन। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कैमरे के कुछ सेटिंग्स, किस रेजोल्यूशन पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 720 पिक्सल्स में 30 fps के साथ, 1080 पिक्सल्स में 30 fps के साथ, और इसके बाद 1080 पिक्सल्स में 60 fps के साथ, और फाइनली नीचे वाली साइड पे हमें मिल जाती है 4K रिकॉर्डिंग और वो भी 30 fps के साथ। तो ये था हमारा कैमोन 16 प्रीमियर का फर्स्ट लुक, फर्स्ट इम्प्रेशन इसका बहुत अच्छा रहा। डिटेल रिव्यू इसका जल्दी आने वाला है इस चैनल पर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को कर लीजिए ऑन ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।